एक्शन मोड में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। नायब सैनी ने कांग्रेसियों पर जमकर भड़ास निकाली। नायब सैनी ने कहा बीजेपी घर घर जाकर कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश करेगी। सिकंदर विधानसभा के हरियाणा के चुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के उस झूठ को घर घर जाकर के पर्दाफाश करने का काम करेगी। जो सीएम सैनी के घर घर जाकर कांग्रेस के झूठ को बेनकाब करने के बयान पर सांसद जेपी ने पलटवार किया। जेपी ने कहा झूठ तो बीजेपी के लोग बोलते हैं, हरियाणा में सुपड़ा तो जरूर साफ होगा लेकिन कांग्रेस का नहीं बीजेपी का। बेटा बेटी और पिछड़े वर्ग के बेटा बेटी की जो सस्ती पढ़ाई थी स्कूलों को बंद करने के लिए सरकार जा रही है। ये सरकार तो पूंजीपतियों की है और नायब सैनी को बेचा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के दिशा निर्देश पर सभी जिलों में समाधान शिविर लगाए जा रहे। समाधान शिविर में जनता हर प्रकार की समस्या लेकर पहुंच रही। यमुनानगर में भी समाधान शिविर का आयोजन। पेंशन, राशन कार्ड, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी जैसी तमाम समस्याओं को लेकर लोग शिविर में पहुंच रहे हैं। शिविर जो है ये हर दिन सुबह 9 से 11 बजे तक यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है और 11 बजे के बाद भी चल रहा है। इसमें जो भी शिकायतें आ रही है वो डिफरेंट विभागों से संबंधित है और यहाँ पे सभी अधिकारी जो है वो। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने राज्यसभा चुनाव में विपक्ष को एकजुट होकर अपना प्रत्याशी उतारने का बयान दिया। इस बयान पर हरियाणा के कृषि मंत्री गोपाल गुर्जर ने चुटकी ली। गोपाल गुर्जर ने कहा सरपंचों की जो भी रजायज मांगे हैं सरकार उन पर बात करने के लिए तैयार। सरपंच अलग नहीं है, वो हमारे ही सरपंच हैं। डिमांड है जो उनकी सही बात है उसको मानने के लिए सरकार तैयार है। पहले भी हमने उनकी बात मानी, पहले भी उनके साथ बैठ के बातचीत की। सरपंच कोई अलग नहीं है, सरपंच हमारे ही तो सरपंच है ना हमने। हरियाणा के वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल ने बताया लोकसभा चुनाव के नतीजे इच्छा के अनुसार नहीं आए। बीजेपी अपने पिछले 10 साल तक किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाएगी। जयप्रकाश दलाल ने हुड्डा को नसीहत दी, कहा सपने देखने में कोई टैक्स नहीं लेकिन कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, बीजेपी फिर से हरियाणा में सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने भी कार्यकर्ता मीटिंग लेनी शुरू कर रखी है, आज भी वो अम्बाला में मीटिंग कर रहे हैं। वो सारा संगठन को सारे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर। सोनीपत में खाद एवं आपूर्ति विभाग की टीम एक्शन मोड में। पनीर गोदाम पर खाद आपूर्ति विभाग की टीम ने छापेमारी की। विभाग के अधिकारियों ने क्राइम ब्रांच की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। 437 किलो सफेद घी और 260 किलो पनीर मौके से बरामद किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया गोदाम पर जांच करने पर 437 किलो मक्खन और 260 किलो पनीर बरामद हुआ। तो 260 किलो के साथ पनीर का भी हम सैंपल लेंगे। दोनों चीज़ का सैंपल लेके सैंपल अभी मौके पर हम लोग सील कर रहे हैं। सील करके इनको चंडीगढ़ लैब में भेज दिया जाएगा। आगामी कार्रवाई जो है चंडीगढ़ लैब से जैसी रिपोर्ट आएगी। जो रेवाड़ी में प्याज की कीमतों में आया उछाल। प्याज की कीमत 40 रुपए किलो तक पहुंची जिसने लोगों की आंखों में बिना काटे ही आंसू ला दिए। महिलाओं का कहना प्याज के साथ अन्य सब्जियों के बढ़ते दामों ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया। विक्रेताओं ने कहा प्याज के निर्यात और भीषण गर्मी से फसल खराब होने से सब्जियों के दाम बढ़े। केजी और बाकी सब्जियां भी कुछ महंगी। हाँ सब कुछ महंगा हो गया भैया, बजट में बहुत ज्यादा असर आ रहा है। रसोई पे कितना असर पड़ता है इसका? काफी असर आ रहा है, हर चीज महंगी हो रही है। आज आपने कितने प्याज लिए? हरियाणा में आसमान से आग बरस रही। अगले 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान में इजाफे का पूर्वानुमान कृषि मौसम वैज्ञानिकों ने दिया। तापमान जो चल रहा है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में सार में जो ऑब्जर्वेटरी में रिकॉर्ड किया गया है वो पिछले 24 घंटों के अंदर 43.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। जो सब जींद में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आए दो नाबालिग युवक। घर के ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज लाइन, दोनों गंभीर रूप से घायल। रोहतक वीजीआई किया गया रेफर। पड़ोसियों ने कहा हाई वोल्टेज लाइन को हटवाने के लिए काफी बार शिकायत की जा चुकी लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके कारण सारा घर में हो गया जी। अच्छा। हाँ, उनके कारण सारा पड़ोस में आग लग गई। अच्छा, पड़ोस में जो अभी दुर्घटना घटी है उसके कारण देखो जी क्या हाल हुआ। फतेहाबाद के लूथरा अस्पताल की डॉक्टर सुनीता ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दी। सीन ऑफ क्राइम और शहर पुलिस की टीमें मौके पर छानबीन करने में जुटी। मृतका के बेटे प्रतीक ने पुलिस को बताया उनकी पत्नी डॉक्टर नैन्सी और मां की आपस में नहीं बनती थी जिसको लेकर अक्सर कलेश रहता था।